नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में हम सीखेंगे कि ICH क्या होता है और ICH जो होता है वो लैपटॉप डेस्कटॉप मदरबोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट चिप होता है। ठीक है, देखिए ICH का लॉन्ग फॉर्म क्या है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब, और हम इसे साउथ ब्रिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? साउथ ब्रिज। ठीक है, चलो फिर इसके देखते हैं हम फंक्शन। वो फंक्शन मतलब वो चिप काम क्या करती है। ठीक है, देखिए पहला तो है टू कंट्रोल एम्बेडेड कंट्रोलर चिप। ठीक है, तो एम्बेडेड कंट्रोलर चिप जो होती है, इस चिप को हमारा ICH जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, देखिए एम्बेडेड कंट्रोलर चिप, इसके और भी कई नाम हैं, जैसे सुपर आईओ चिप या फिर SIO या फिर EC कंट्रोलर, EC भी कहते हैं हम उसे। ठीक है, EC मतलब एम्बेडेड कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद टू कंट्रोल PCI एक्सप्रेस। ठीक है, अब PCI एक्सप्रेस जो होता है वो, जैसे कि अभी मैं कुछ डेस्कटॉप मदरबोर्ड लेके आया हूँ, यहाँ पे अगर आप देखो ये PCI एक्सप्रेस है। ठीक है, ये क्या है? PCI एक्सप्रेस स्लॉट। ठीक है, उसे कंट्रोल करने का काम ये करता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा ग्राफिक्स कार्ड लगता है। उसके बाद टू कंट्रोल BIOS। ठीक है, देखिए टू कंट्रोल मिनी PCI। PCI मतलब यहाँ पे जो मिनी PCI जो होते हैं, वो मिनी PCI आपको यहाँ पे नीचे होता है, ये मिनी PCI है और ये वाला ये बिग PCI, बड़ा PCI है। ठीक है, और कंट्रोल BIOS। ठीक है, जो BIOS चिप होती है उस BIOS चिप को कंट्रोल करने का काम हमारा ICH जो है वो करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो BIOS है वो BIOS है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये चिप है छोटा सा, ये क्या है आपका? BIOS चिप है। ठीक है, उसके बाद इस मदरबोर्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पे अच्छे से दिख तो नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो चिप पास में ही होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा अच्छे से। ठीक है, दूसरे में दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर भी यहाँ पर देखो BIOS चिप जो होती है वो हमेशा साउथ ब्रिज के पास ही होती है, या फिर ये जो CMOS बैटरी है उसके आजू बाजू में ही वो चिप लगी हुई होती है। ये बहुत छोटा पिक्चर है इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको मदरबोर्ड के लैपटॉप के जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये BIOS जो हमारा जो हार्डवेयर का जो एक OS हम जिसे कहते हैं, जो फर्मवेयर हम उसे कहते हैं, वो फर्मवेयर इस BIOS ROM के अंदर इंस्टॉल्ड रहती है। ठीक है, और हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम ये BIOS करती है, और इस BIOS चिप को कंट्रोल करने का काम हमारा ICH करता है। ठीक है, उसके बाद टू कंट्रोल IDE पोर्ट, SATA पोर्ट एंड USB पोर्ट। अब डेस्कटॉप मदरबोर्ड में आप देख सकते हो यहाँ पे IDE पोर्ट है, उसके बाद ये हमारा जो SATA पोर्ट है, यहाँ पे ये SATA पोर्ट है। ठीक है, और USB पोर्ट, जो USB पोर्ट होते हैं हमारे, वो भी कंट्रोल करने का काम करती है। टू कंट्रोल एथरनेट चिप, देखिए अब ये यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे ये एथरनेट पोर्ट यहाँ पे है। ठीक है, और उसे कंट्रोल करने वाली, इस एथरनेट को कंट्रोल करने वाली एक चिप होती है, वो उसी के बाजू में ही होती है। ठीक है, यहाँ पे वो नीचे हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, उस चिप को ये ICH जो है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो नीचे, ये ICH चिप उस इस ईथरनेट पोर्ट को जो कंट्रोल करने वाले चिप होती है, उस चिप को कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद
टू कंट्रोल ऑडियो कोडेक चिप। अब इस मदरबोर्ड में मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पे ऑडियो, ये ऑडियो कोडेक चिप है, ठीक है, और इस चिप को कंट्रोल ये ICH चिप करता है। मैं आपको अभी, ये तो डेस्कटॉप मदरबोर्ड में मदरबोर्ड है, लेकिन मैं आपको डेस्कटॉप मदरबोर्ड में भी कुछ दिखाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद टू कंट्रोल सीमॉस बैटरी, ये जो होती है ना यहाँ पे, ये सीमॉस बैटरी है, ये वाली भी सीमॉस बैटरी है, उसके बाद ये वाली यहाँ पे सीमॉस बैटरी है, इस बैटरी को ये एनवीडिया चिप भी कंट्रोल करती है। दिस चिप हैज अ कंपल्सरी RTC 32.768 किलोहर्ट्ज RTC यानी क्रिस्टल, ठीक है, जो क्लॉक जनरेट करता है, ठीक है, ये क्रिस्टल लगा हुआ होता है। जैसे कि अब इस चिप में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये RTC यहाँ पे है, इसका इस चिप का RTC यहाँ पे है, ठीक है, और इसके बाजू में ही वो RTC लगा हुआ होता है, ठीक है। और हर एक, मतलब आपको यही समझ ध्यान में रखना है कि ये जो चिप है, इंटेल का हो, एनवीडिया का हो, AMD का हो, ये ICH चिप है, इसके लिए एक RTC ज़रूर होता है, विच कैन बी ऑन द अपोजिट ऑफ द मदरबोर्ड। मतलब ये एक तो उसके बाजू में हो सकता है या उसके बैक साइड में भी हो सकता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड, अब ये जो ICH होते हैं, वो ICH के मैन्युफैक्चर्ड कौन कौन है, इंटेल, AMD, एनवीडिया, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ ICH, द कैपेसिटर प्रेजेंट नेक्स्ट टू ICH मस्ट बी ग्राउंड ऑन वन साइड, इफ दे आर ग्राउंड ऑन बोथ साइड देन ICH कुड बी फॉल्टी। देखिए अब ये ICH जो होता है, इसको टेस्ट, इसका टेस्टिंग कैसे होता है, किसके बाजू में जो ये लगे हुए होते हैं कैपेसिटर, तो वो कुछ ग्राउंड होते हैं और उसके पीछे जो लगे हुए होते हैं वो ग्राउंड नहीं होते हैं। अगर वो ग्राउंड है तो इसका मतलब आपका ICH फॉल्टी हो सकता है, ठीक है। अब देख सकते हो आप, अब ये जो मदरबोर्ड है यहाँ पे, इसका ये ICH यहाँ पे है, उसके बाद इस मदरबोर्ड में आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रोसेसर है और एक नीचे वाला एक ही चिप है। तो यहाँ पे जो, जैसे यहाँ पे ये जो चिप है ना, ये आपका MCH है, ठीक है, और यही MCH और ICH ये दोनों मिला के जो चिप बनता है उसे ये PCH कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो चिप है, यहाँ पे जो हीट सिंक लगा हुआ है उसके नीचे MCH होता है, GMCH होता है, और यहाँ पे आपका ICH होता है, ठीक है। देखिए अब ICH मैं आपको ब्लॉक डायग्राम में दिखाता हूँ क्या काम करता है। देखिए ICH जो होता है वो आपका CPU के साथ, MCH के साथ जुड़ा हुआ होता है एक इंटरनल बस के थ्रू, और जो हमारा ICH है वो IO कंट्रोलर का कंट्रोल करता है। IO कंट्रोलर मतलब आपका सुपर IO, एम्बेडेड कंट्रोलर, ठीक है, और यहाँ पे PCI बस, ये PCI बस है, ये PCI बस को वो कंट्रोल करता है। उसके बाद ID, SATA, USB, Ethernet, ऑडियो कोडेक चिप, CMOS बैटरी यहाँ पे दिखाया गया है, और ये आपका फ्लैश रोम यानी BIOS चिप, ठीक है। तो इस तरह से ये ICH आपका काम करता है। चलो फिर अभी हम देखते हैं लैपटॉप मदरबोर्ड पे वो कैसे दिखता है वहाँ पे। तो इस लैपटॉप मदरबोर्ड में आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका प्रोसेसर स्लॉट है, ठीक है, और ये आपका MCH है, या फिर मतलब MCH और GPU आपका ये कम्बाइंड, और यहाँ पे देख सकते हो आप ये आपका ICH है, ये NVIDIA का ICH है, ठीक है। और इस, जैसे कि मैंने कहा था कि इसी ICH के साथ एक क्रिस्टल आपको मिलेगा, देखिए यहाँ सकते देख सकते हो आप, ये क्रिस्टल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। चलो दूसरा मदरबोर्ड देखते हैं। ओके, तो इस मदरबोर्ड पर ये प्रोसेसर है, उसके बाद ये आपका MCH है, और ये पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये क्या है, ये इंटेल का आपका ICH है, ठीक है। उसके बाजू में जो आपको ENE दिख रहा है ना,
वो एम्बेडेड कंट्रोलर है, ठीक है। और उसके देखिए, अब ये ICH के नीचे अगर आप देखो, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है पार्टी, ये है क्रिस्टल। क्या है ये? क्रिस्टल, ठीक है। और ये क्रिस्टल इस ICH का ICH के लिए होता है। ठीक है, चलो फिर कोई और एक मदरबोर्ड देखते हैं। देखिए अब ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में यहाँ पे प्रोसेसर है, प्रोसेसर के बाजू में ये आपका GPU है, ग्राफिक्स कार्ड है आपका, और यहाँ पे जो आपका ICH और MCH दोनों कंबाइन है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसका क्रिस्टल है, आपको दिखाई दे रहा है X1 करके जो पार्ट है यहाँ पे, वो आपका क्या है, वो ये इस चिप के लिए वो क्रिस्टल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके, चलो फिर और एक मदरबोर्ड देखते हैं हम। ओके, तो ये और एक मदरबोर्ड है, आप देख सकते हो ये प्रोसेसर यहाँ पे सॉकेट है, और यहाँ पे ये जो है ये MCH है, इस चिप का MCH है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसका IO कंट्रोलर है, जो बड़ा चिप आपको देख रहे हो ये IO कंट्रोलर है, ठीक है। और अगर हम पीछे जाते हैं तो यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो ये हमारा इंटेल का साउथ ब्रिज, यानी आपका ICH चिप यहाँ पे है। और देखो अभी ये जो चिप है ICH, इसका जो क्रिस्टल है हम यहाँ पे देखने रहे, लेकिन इसके अगर पीछे अगर हम जाते हैं तो पीछे हमें दिखाई देगा इसका जो क्रिस्टल है वो यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हो अभी C32B505C, ये जो है ये इसका क्रिस्टल पीछे। ये एक पुराना मदरबोर्ड है, और इस मदरबोर्ड पे ये AMD का प्रोसेसर है, ठीक है। और अभी हमें इसका ICH MCH देखना है, लेकिन सबसे पहले मैं देखो आपको ये रैम स्लॉट है, रैम स्लॉट के बाजू में आपको जो चिप दिख रही है एक्चुअली ऑन बोर्ड स्पेयर रैम है, ठीक है। और ये देख रहे हो आप, ये इसका जो है ये इसका MCH है, और ये जो है यहाँ पे इसका ICH है, ठीक है। तो ये जो ICH है ये आप देख सकते हो यहाँ पे उसके बाजू में इसका जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये जो एम्बेडेड कंट्रोल है, जो यहाँ पे ये क्या है, इसका एम्बेडेड कंट्रोलर, यानी आपका सुपर आयो चिप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कोई और मदरबोर्ड। चलो ये थोड़ा सा नया मदरबोर्ड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोसेसर इसका जो है वो स्लॉट है, और इसके पीछे ये आपका PCH है, यानी ICH और MCH ये जो है वो एक साथ ही यहाँ पे जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको दिखाऊँ मैं यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है इसका क्रिस्टल होता है, आप देख सकते हो ये इस चिप का क्रिस्टल क्रिस्टल लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा हर ICH के बाजू में आपको एक क्रिस्टल दिखना चाहिए ऐसा वाला, तो समझ लो कि वो आपका ICH चिप है, साउथ ब्रिज चिप है, ठीक है।